प्रताप स्नैक्स। सर प्रताप स्नैक्स की मैं बात करूं तो स्टॉक एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है। बार बार अगर चार्ट पे देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस बनाता है, स्टॉक वहां से गिरता है और फिर से ऊपर बढ़ता है। प्रताप स्नैक्स यहाँ पे 808 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था जो लास्ट तीन दिन से लगातार वो बना रहा था, वो रेजिस्टेंस का लेवल था 818 रुपए। तो प्रताप स्नैक्स अगर 818 रुपए के लेवल पे लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो इस शेयर को बाय किया जा सकता है। नीचे में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 810 रुपए का। 818 के बाद सर इसका पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 835 रुपए का और दूसरा टारगेट आएगा 850 रुपए। अगर बाय ही करना है तो मैं बोलूंगा 818 का लेवल ब्रेक करने के बाद ही बाय करेंगे, क्योंकि वही ब्रेकआउट है और उसके ऊपर सस्टेन करने का स्टॉक आराम से आपको रैली दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू मैं लेकर के चलूं तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा और क्या बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं? सर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अगर मैं यहाँ पे वन वीक चार्ट देखता हूँ तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है सर तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो सीधा रेजिस्टेंस बनता है 888 रुपीज का, मतलब जो मैंने बताया था शायद से 813 रुपए के ऊपर आपको बाय करना है। उसके बाद उसका जो पहला टारगेट है वो मतलब जो टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 900 रुपए का, और 900 रुपए का अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो ये बड़ा वाला ब्रेकआउट बोल सकते हैं और उसके बाद से स्टॉक आराम से आपको 1050 रुपए से 1100 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है। मतलब करंट मार्केट प्राइस से अगर आप सोचते हैं कि ये पहला टारगेट फिट करेगा उसके बाद ये 900 का लेवल ब्रेक करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा तो करंट मार्केट प्राइस से 35% तो आराम से ऊपर की साइड इसमें दिखाएंगे। ये रहा है डायमंड या प्रताप स्नैक्स पे।